जबलपुर के पायलवाला गोल्ड शोरूम में हुई 5 करोड़ की चोरी का खुलासा करने वाले पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मियों का सम्मान सराफा एसोसिएशन द्वारा किया गया। सम्मान करते हुए 2,51,000 रुपए की इनामी राशि का चेक मंच पर जबलपुर आईजी को प्रदान किया है। एक दंत महाकायम थोड़ा सा फैल जाइए, फोटोग्राफ में आना जरूरी है। ये बहुत दो अलग हो जाए तो बाकी पदाधिकारी भी आ जाएंगे जो इन अधिकारियों ने लिया और इन समस्त सराफा एसोसिएशन के कर्मचारियों का नहीं। ये सम्मान जो इन लोगों ने किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मगर ये हमारा जिम्मेदारी भी बनता है और हमारा ड्यूटी है कि हम लोग जो भी समस्या जनता को रहता है उसको तत्परता से काम करें। और मेरा जोन में अभी तक जितने भी घटनाएं हुई थी जबलपुर जोन में, सभी पुलिस अधीक्षक लोगों ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए बहुत ही अच्छे काम किए हैं, ना केवल क्राइम में मगर लॉ एंड ऑर्डर में। अभी जो हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं और जितने भी अभी त्योहारें हुए हैं और वीवीआईपी ड्यूटीज हुए हैं, सभी में इन लोगों ने बहुत ही शानदार काम किया है, शानदार नेतृत्व किया है उनके सबॉर्डिनेट स्टाफ का, और इसी प्रकार का करते रहेंगे जब भी जरूर। जी, आज बड़ा गर्व की बात है कि सराफा एसोसिएशन ने आज यहाँ लॉर्डगंज थाना प्रांगण में जबलपुर पुलिस की जो ऐतिहासिक सफलता थी, जो 5.5 करोड़ करीब की जो नकबजनी थी, जो ट्रेस हुई है उसके तारतम्य में आज पुलिस अधिकारी कर्मचारियों का सम्मान रखा है। हम सराफा एसोसिएशन को धन्यवाद देते हैं व इस मंच के माध्यम से जनता को भी एक हम ये आह्वान करते हैं कि जबलपुर पुलिस उनके लिए सदैव तत्पर 24 घंटे हैं और पूरा प्रयास करते हैं कि कोई अप्रिय घटना ना हो और लॉ एंड ऑर्डर और भी मेंटेन करने का हम पूरा प्रयास करते हैं। निश्चित रूप से पुलिस की प्रणाली के पहले सराफे व्यापारियों की भी वही छवि थी, लेकिन 15 तारीख को जो घटना हुई सुपरमार्केट स्थित पायलवाला ज्वेलर्स में, वो महाकौशल की अब तक की सबसे बड़ी चोरी थी। और उस चोरी की और नकाबजनी के बाद पूरे महाकौशल के ज्वेलर्स में एक दहशत का माहौल था। उस दहशत के कारण हम लोग चिंतित थे कि जब मुख्य बाजार में इतनी बड़ी घटना हो सकती है तो जो उपनगरीय क्षेत्रों में कॉलोनियों में ज्वेलर्स की दुकान है उसके साथ क्या स्थिति होगी। निश्चित रूप से हम लोग लगातार चिंता थे, पुलिस प्रशासन और व्यापारी जो इस क्षेत्र में ज्वेलरी ट्रेड में पूरे देश में घटनाएं हुई उनकी समीक्षा की, उनके बारे में विचार विमर्श किया और सघन जांच, और उसके बाद जब इस नकाबजनी का उजागर हुआ तो निश्चित रूप से पूरे शहर के महाकौशल के ज्वेलर्स उत्साहित हुए। और सराफे एसोसिएशन ने इस घटना के बाद 2,51,000 रुपये देने की घोषणा थी। पहले योजना थी कि एसपी ऑफिस में जाकर वो राशि दे दी जाए, लेकिन अधिकारियों में इतना उत्साह था, सराफा एसोसिएशन के पदाधिकारियों और व्यापारियों में इतना उत्साह था कि महाकौशल का सबसे बड़ा सम्मान समारोह की कर हम वो इनाम की राशि आज यहाँ पर दें। और जो आप सबको बताते हुए सराफा एसोसिएशन गौरवान्वित हो रही है कि महाकौशल, बल्कि मैं बोलूँ कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मान समारोह आज सराफा एसोसिएशन के नेतृत्व में किया जा रहा है। दोस्तों, न्यूज़ टेक लाइव के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस करें।